68,000 आदमी जो अभी जेल के अंदर है, जो 62% अंडर ट्रायल है, अगर कोर्ट प्रिजन में जाके बैठता, सोचिए हमारे देश के जजेस लोग प्रिजन में जाके बैठते तो कोई भी प्रिजनर को इधर से उठाकर कोर्ट तक नहीं ले जाना पड़ता, जैसे आप लोग हिंदी फिल्म में देखे होंगे दिल जाते टाइम शूट करके मार देता है, अगर वो कोर्ट के अंदर बैठता तो 62% प्रिजनर होता ही नहीं जेल के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धारा 41 ए और 41 सीआरपीसी की कार्रवाई पूरी कीजिए, नोटिस भेजिए और गिरफ्तारी से तब आप करिए अगर लिखित आप व्यवस्था दीजिए कि क्या कारण है गिरफ्तारी करने का, और अगर गिरफ्तारी करने का कारण नहीं है तो 41 ए की नोटिस देने के बाद। कल का हमारा न्यूज़ यही था कि हमारे देश में 62% अंडर ट्रायल हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 वीक के अंदर ये केस सबको मिटा कर आपको उनको जेल से निकाल देना पड़ेगा। इससे 2 चीज़ हो सकता है, एक है हमारे देश के सिटीजन्स लोग को जो गलती से उनको जेल के अंदर रखा गया है वो गलती हटाया जा सकता है। इधर गलती क्या है, सोचिए हम आपके ऊपर क्रोधित हैं तो हम क्या कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट में एक तो FIR कर सकते हैं, पुलिस को पैसा खिला सकते हैं, पुलिस हमको गिरफ्तार करके अंदर कर देगा। ये पूरा प्रोसेस आपको कोर्ट में ले जाना, उस दिन जज नहीं भी आ सकता है, उस दिन आपका वकील भी नहीं आ सकता है, यही करते करते आपको 2-3 साल जेल के अंदर रख देना। हमारे देश में लॉ को खिलौना बना दिया गया है, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट को भी शायद काफ़ी केसेस उनके पास आने के बाद, कंप्लेन आने के बाद वो लोग ये डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। मजबूर इसलिए हो गए हैं कि हमारे देश के लोग पाकिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बांग्लादेश का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, बॉर्डर से जो लोग हमारे देश में अंदर घुसते आ रहे हैं उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, किसान का समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बाबा माँ को पेंशन नहीं देंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेंगे। और आप सोचिए, आपने नौकरी में ज्वाइन किया, आपने नौकरी में ज्वाइन किया, आपका उम्र था तब 20 साल या 21 साल, अगर आपका पेंशन काटा जाता, अगर हम सोच लेते हैं LIC के साथ आपका पेंशन होता, PF अगर नहीं भी होता, अगर आपका LIC के साथ पेंशन होता, 15 साल आप देते, 25 साल के बाद आप लेते, हो सकता है महीने में आपको 20 से 25 हज़ार भी मिल जाता अगर वैसे आपका काटा जाता। तो इन लोगों ने, BJP ने क्या किया, 2004 साल में ही पेंशन को उठा दिया। इसलिए जितना भी हिंदी स्टेट है जहाँ पर तिलक लगा के जय श्री राम बोलते हैं, ये लोग अशिक्षित होते हैं। अशिक्षित का मतलब है इन लोग जितना भी पढ़ाई कर लें, PhD भी कर लें, इसको अप्लाई नहीं करते हैं देश चलाने के लिए। इन लोग सोचते हैं आंख के जोर से देश चलाएंगे, आंख के जोर से कुछ नहीं चलता है। सिर्फ अखाड़ा के अंदर आप फाइटिंग कर सकते हैं, ओलंपिक में जाके 0 मेडल लेकर आएंगे, क्योंकि ये आंख का जोर आपका कहीं काम में नहीं लगेगा। शिक्षित आदमी पूरा विश्व में पूजन होता है, इसलिए भारतीय शिक्षित आदमी पूरा विश्व में राज करता है, वो नौकरी करता है, बिजनेस करता है। और हमारे देश में पुलिस स्टेशन में क्यों ये लोग सिर्फ आदमी लोग को जेल में अंदर रखना चाहते हैं, क्योंकि ये देश नहीं चला पाते हैं। जो आदमी देश नहीं चला पाएगा वो सिर्फ शब्द से डरेगा। पाकिस्तान का वॉर तो रोक नहीं पा रहे हैं, टेररिज्म रोक नहीं पा रहे हैं, तो कुछ बच्चा लड़का अगर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है इसे डर क्यों लगता है? टिकट काट के उनको भेज दीजिए ना पाकिस्तान 1 महीना रहने के लिए, तभी तो प्रमाण हो जाता है जो पाकिस्तान सुंदर है या आप सुंदर है। हमारे देश का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग समाधान नहीं चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं ये चलता रहे जिंदगी भर, और भाग्य के नाम में हम लोग छोड़ दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा है, और आपको जो डिबेट हमने दिखाया, ये डिबेट में कह रहे कौन सुनता है सुप्रीम कोर्ट का बात। सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दे दिया, हाई कोर्ट सुनेगा क्या? हाई कोर्ट इंप्लीमेंट कर पाएगा? उसके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो क्या इंप्लीमेंट कर पाएंगे? क्योंकि हमारे देश का लॉ पुलिस के हाथ में है, वो जैसा केस सजाएगा। जब तक कोर्ट जजेस पुलिस स्टेशन में नहीं बैठते हैं और जेल में नहीं बैठते हैं, ये समस्या का समाधान हमारे देश में नहीं होगा। काफिल खान एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने बच्चों को बचाने के लिए ऑक्सीजन खरीदा, क्योंकि ऑक्सीजन का बिल पेमेंट नहीं किया था योगी सरकार ने, उनको जेल में भर दिया गया।
कोर्ट ने उनको छोड़ दिया, फिर से उनको दूसरा केस देके जेल में भर दिया गया, फिर से उनको दूसरा केस देके जेल में भर दिया गया। ओम्बिकेश महापात्र हमारे देश के जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हमारे बंगाल गवर्नमेंट ने उनके ऊपर केस कर दिया। अब कोर्ट ने कहा है उनको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, क्या ये दे पाएंगे? हमारे देश में लड़की लोग का और लड़का लोग का प्रचार होता है, बांग्लादेश में भी होता है, क्योंकि हमारे देश में आते हैं, हमारे देश के लोग उधर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि अंग लगता है, देहदान करना लगता है, किसी को किडनी लगता है, किसी को लीवर लगता है, तो इसके लिए अंग प्रचार होता है। ये क्या पुलिस रोक पाते हैं? नहीं रोक पाते हैं। पुलिस किस काम में आते हैं? महाराष्ट्र से जब कुछ लोगों को गुवाहाटी भेजा जाता है उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो हमारे देश में पुलिस लोगों को जब तक मिसयूज किया जाएगा हमारे देश में ये लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकेगा, ये सुप्रीम कोर्ट भी जानता है। बट कोशिश शुरू हो गया, अगर हमारे देश के पुलिस ठीक तरह FIR कर पाए, अगर नहीं भी कर पाए तो अगर इन्होंने अपील किया जो जजेस लोग को, रिटायर्ड जजेस लोग को या लॉयर्स लोग को जिनका नाम है, या तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको अगर पुलिस स्टेशन में एक जगह दे दिया जाए, तब हमारे देश का लॉ हो सकता है आज से 10 साल के बाद ठीक तरह इम्प्लीमेंट हो। हम लोग जो बात कह रहे थे प्रिजन के पीछे जो करोड़ों खर्चा हो रहा है वो देश का टैक्स पेयर्स मनी है। विजय माल्या कितना चोरी करता है वो तो दूसरा बात है, वो तो फिर भी नौकरी देने के लिए चोरी कर रहा था। हमारा देश का गवर्नमेंट पानी के भाव, हमारा जो देश का पैसा है उसको गंगा में बहा रहे हैं, क्योंकि उनको देश चलाना नहीं आता है। अगर आप BJP के सपोर्टर हैं, किसी के भी सपोर्टर होंगे, तो PM के पास ये न्यूज़ ज़रूर से पहुंचा दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। अगर आप इंडिया का भला चाहते हो, अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है तो उसको आप टिकट खरीद के पाकिस्तान भेज दीजिए ना, उधर एक घर भाड़ा कर दीजिए, तो वो पाकिस्तान का चेहरा देखकर आएगा। अगर इंडिया को जिंदाबाद करना है तो आप नौकरी जेनरेट करिए। हर लड़का पाकिस्तान से बैठकर भी बोलेगा जिंदाबाद, क्यों बोलेगा? क्योंकि अगर सिटीजन्स मूवमेंट, अब हम वो बात बोलने जा रहे हैं जो हमारे देश में कोई भी लीडर बोलते नहीं है, हर चीज के लिए सिटीजन दाई है, हर चीज के लिए नागरिक दाई है। तो पुलिस भी एक नागरिक है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी एक नागरिक है, प्राइम मिनिस्टर भी एक नागरिक है। सोशल कैपिटल बनाइए। बैंक का चोरी ये लोग रोक नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग 1,000 आदमी 100 रुपया महीने में देने से भी 1,00,000 रुपया होता है, 20% जमा कर रखिए, ताकि महीने के एंड में जितना भी बैंकिंग सिस्टम होगा, हम लोग इंडस्ट्री खोलेंगे टाटा के साथ एग्रीमेंट कर 20% आप लोग कोई यूट्यूबर और 7 जन का कमेटी बना के उनको सैलरी दीजिए, ताकि आपके पारा से एक आंदोलन हो सके। और 60% रुपया में हर घर में सोलर कुकर और सोलर बनाइए। हमारे देश का गवर्नमेंट सके ना सके, जी ये सोनू सूद का भी बात है, आप जरूर से सक जाएंगे। अगर आप ये कोशिश करते हैं कि हमको देश का भला चाहते हैं, तो हर देश जिंदाबाद हो उसके साथ इंडिया भी जिंदाबाद हो, क्योंकि हर देश का नागरिक एक ही प्रॉब्लम में जूझ रहा है। देश का गवर्नमेंट इकोनॉमिक के बारे में कुछ नहीं जानता है, वो देश को डुबा रहा है। अगर देश को उभरना है तो आपको महीने में एक दिन एक जगह आके ऐसे वेस्ट ओल्ड न्यूज़पेपर खाता बुक्स जमा करने हैं, जो बच्चों से भी कराइएगा, ताकि बच्चे बड़े होते होते ये सीख जाए देश को कैसे चलाना होता है। आज के लिए बस इतना ही। हम नरेश जैन ऑन बिहाफ ऑफ भावना मूल, थैंक यू वेरी मच।